हमारा सभी का प्यारा दुलारा जिसको देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। आगे बकेट, पीछे भी बकेट और बीच में केबिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ JCB 3DX बैकहोल्डर की। अभी इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसको कहते हैं तो बैकहोल्डर, लेकिन इसको बहुत सी जगहों पे JCB कह के भी बुलाया जाता है। जी हाँ, इसी JCB यानी बैकहोल्डर 3DX का आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं टाटा हिटाची सिनराई प्रो के साथ, जो कि स्पेक्स वाइज और वर्किंग कंपेरिजन वाइज काफ़ी एक दूसरे से मेल खाती है। इन दोनों ही बैकहोल्डर के मेन स्पेक्स और फीचर ही हम आज कंपेरिजन करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है। तो चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। काम ही करना है तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। JCB 3DX में लगा हुआ है खुद JCB का ही 448 लीटर वाटर कूल्ड नेचुरली एस्पिरेट डीजल इंजन, जो कि 49 HP की पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो टाटा हिटाची सिनराई में लगा है क्यूमिंस 3.2 लीटर डीजल इंजन, जो कि 47 HP की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पावर और पुलिंग कैपेसिटी दोनों ही मामले में JCB 3DX टाटा सिनराई से आगे निकल जाती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो JCB 3DX में ZF का 4 स्पीड मैनुअल सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन दिया गया है, वहीं टाटा हिटाची सिनराई में केरारो का ही सिंक्रो शटल मैनुअल 4 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इन हाइड्रोलिक मशीन में हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत मायने रखता है। बात करें हाइड्रोलिक प्रेशर की तो JCB 3DX में जो पंप फ्लो का फिगर है वो है 114 LPM, यानी एक मिनट में 114 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल पूरी मशीन में ट्रैवल कर सकता है। वही टाटा सिनराई में जो पंप का फ्लो है वो JCB 3DX से 9 LPM कम, यानी 105 LPM का यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप फ्लो का प्रेशर रखा गया है, वो भी 1950 RPM पे। दोनों ही बैकहोल्डर के ऑपरेटिंग वेट की बात करें तो टाटा हिटाची सिनराई का ऑपरेटिंग वेट है 7940 kg, मतलब ये बैकहो 7.9 टन का है। वहीं JCB 3DX का ऑपरेटिंग वेट है 7540 kg, मतलब कि 7.5 टन वेट है। तो यहाँ JCB 3DX से टाटा सिनराई 400 kg ज़्यादा वजनी है। दोनों ही बैकहोल्डर में सेम साइज और सेक्शन के ही टायर्स लगे हुए हैं, जिसमें फ्रंट में जो आगे वाले दो छोटे टायर है उसकी साइज की बात करें तो 9/16 PR और जो पीछे वाले जो बड़े टायर है उनकी साइज 16.9/28 12 PR सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। पीछे वाले जो टायर होते हैं वो माइनिंग टायर टाइप आपको दिए जाते हैं। अब बात आती है मेन मुद्दे की, जो कि है बकेट कैपेसिटी। इसी के द्वारा तो ही सारा काम होता है, चाहे डिगिंग करना हो या सामान को लोड करना हो। सबसे जरूरी होती है बकेट कैपेसिटी। बैकहोल्डर में एक बकेट आगे और एक बकेट रियर साइड यानी पीछे की ओर होता है, जिसमें आगे वाला बकेट साइज में बड़ा होता है, यानी उसको लोडर बकेट कहते हैं, और पीछे वाला बकेट एक्सकेवेटर में जो लगा होता है उसी की तरह बैकहो बकेट लगा होता है, जो साइज में छोटा होता है। थोड़े फिगर्स की बात करें तो JCB 3DX में जो आगे वाला बकेट है उसकी साइज 1.1 क्यूबिक मीटर और रियर वाला बकेट है वो 0.26 क्यूबिक मीटर का मिल जाता है। वहीं दोनों ही बकेट की लंबाई आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं टाटा हिटाची सिनराई में सेम एज इट इज 1.1 क्यूबिक मीटर का लोडर बकेट और 0.26 क्यूबिक मीटर का बैकहो बकेट दिया गया है। अब आगे बात करते हैं फ्यूल रिफिलिंग के बारे में, यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो JCB 3DX में डीजल टैंक 128 लीटर और टाटा सिनराई में 100 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है। टाटा सिनराई के मुकाबले JCB 3DX में आप 28 लीटर ज़्यादा डीजल को स्टोर कर सकते हैं। इंजन ऑयल की चैम्बर 15 लीटर JCB 3DX में, तो सिनराई में 11 लीटर भी दी गई है। ट्रांसमिशन ऑयल JCB 3DX में 17.5 लीटर का फिल कर सकते हैं, वहीं टाटा सिनराई में 2.5 लीटर ज़्यादा यानी 20 लीटर आप यहां पर ट्रांसमिशन ऑयल फिल कर सकते हैं। आखिर में मेन जो कि हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी है, यहां पर 3DX ही विनर साबित होती है। JCB 3DX में 92 लीटर की हाइड्रोलिक टंकी दी गई है, वहीं टाटा सिनराई में सिर्फ 65 लीटर की ही हाइड्रोलिक टंकी आपको देखने को मिलती है। करते हैं दोनों ही मशीन के डायमेंशन डिपार्टमेंट पर, तो स्क्रीन के सामने आपको डायमेंशन के सारे फिगर आपको दिए गए हैं, जो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है वर्किंग रेंज।
एक मशीन जो एक जगह खड़ी है और सबसे ज़्यादा कितने दूर तक आम, बूम और बकेट को स्ट्रेच करके पहुंच सकती है, उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो जेसीबी 3DX की मैक्सिमम वर्किंग रेंज अपने सेंटर पॉइंट से आपको 6720 mm यानी 22 फुट तक मिल जाती है। कोई भी सामान निकालना हो वहाँ तक पहुँच सकती है, जिसको मैक्सिमम डिगिंग रीच कहते हैं। तो टाटा सिंड्रा में जेसीबी 3DX से 160 mm ज़्यादा यानी 0.5 फुट यानी आधा फुट वर्किंग रेंज ज़्यादा देखने को मिलती है। लंबाई की बात करें तो 6880 mm यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिगिंग रीच देखने को मिलती है टाटा हिटाची सिंड्रा में जेसीबी 3DX के मुकाबले। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो मुझे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि इनमें आप सभी को कौन सा बैकहो लोडर लेना चाहिए। मैंने सिर्फ आप सभी के सामने कंपैरिजन रखा है दोनों ही मशीन में क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी आप सभी को इन दोनों ही बैकहो लोडर में से कौन सा पसंद है और क्यों, ये कमेंट में बताना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।